हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम डीप लर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ वो ICAR टेक्नीशियन के बारे में रहेगा। ICAR की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिस आई है जो टेक्नीशियन जॉब के लिए अप्लाई किया था छात्र उसके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। देखो, ICAR टेक्नीशियन का एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया गया है। पहले किसी कारणवश इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। चलो एग्जाम डेट देखते हैं कब है। इसी वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितना था, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। चलो अब चलते हैं। देखो जो नोटिस आई है वो ये है, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ICAR के तरफ से। देखो नोटिस 14/2/2022 को आई थी। ये देखो जो रिफरेंस नंबर वैकेंसी का हो, देखो यहाँ पे 2021 टेक्नीशियन CBT डेट अनाउंस 18/12/2022 को हुआ था। जो ऑनलाइन टेक्नीशियन पोस्ट TA1 के लिए आया था उसको देखो एग्जाम शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। देखो 28 फरवरी, 2 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च 2022 को होने वाली है ये एग्जाम। इसका एडमिट कार्ड इसका साइट पे कुछ दिन के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। चलो मेन बात अब हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस क्या था। चलो इसका सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, एग्जाम का डेट तो आ गया मगर बहुत कम दिन बचा, इसीलिए हम इसका सिलेबस देखकर इसको तैयारी हम कर सकते हैं। इसका सिलेबस बहुत इजी है, 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो चलो अब हम इसका हम सिलेबस देखते हैं। देखो इसमें एक ही एग्जाम होगा जिसमें CBT 1 होगा, 1.5 घंटा का CBT 1 होगा। इसमें देखो 4 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में रहेगा जनरल नॉलेज 25 मार्क्स का, मैथ रहेगा सेकेंड पोर्शन में 25 मार्क्स का, साइंस रहेगा 25 मार्क्स का और सोशल साइंस रहेगा 25 मार्क्स का। चलो अब इसका नीचे हम सिलेबस देखते हैं, जनरल नॉलेज में किस तरह का सिलेबस है, मैथमेटिक्स में क्या है, साइंस में क्या है, सोशल साइंस में क्या है। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन रहेगा 1.5 घंटा में। 1.5 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन बनाना है। देखो इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग 1/4 रखा गया है इसमें। चलो थोड़ा इसका सिलेबस विस्तार से देखते हैं। देखो जो यहाँ पे दिया हुआ है ये सिलेबस जनरल नॉलेज का है। देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है, आप लोग पॉज करके सिलेबस देख सकते हैं। देखो करेंट इवेंट रहेगा रिलेटेड टू जो अभी हो रहा है, हिस्ट्री रहेगा, कल्चर रहेगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस रहेगा, जनरल पॉलिसी रहेगा और साइंटिफिक रिसर्च रहेगा। देखो मैथ में सिलेबस मैट्रिक लेवल क्वेश्चन और नंबर सिस्टम रहेगा, फंडामेंटल अर्थमेटिक रहेगा, ऑपरेशन अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोमेट्री, स्टैटिक चार्ट रहेगा। देखो साइंस का सिलेबस मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब्सटेंस रहेगा, नेचर रहेगा, देखो बिहेवियर है, वर्ल्ड लिविंग नेचर फिनोमिनन रहेगा, इफेक्ट ऑफ द करेंट रहेगा, नेचर ऑफ रिसोर्स रहेगा। देखो मेन हो जाता है सोशल साइंस का सिलेबस, ये भी मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन रहेगा, इंडिया एंड कंटिनेंटल वर्ल्ड डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स रहेगा, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स थोड़ा रहेगा, डेवलपमेंट और डिजाइन मैनेजमेंट के, यही इसका यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ। आप लोग इसको अच्छा से पढ़ सकते हैं और अभी बहुत कम दिन बचा है, मात्र 15 दिन से भी कम बचा है, तो आप लोग इसके सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करें तो ये एग्जाम निकल सकता है। इसका क्वेश्चन बहुत इजी टाइप का आएगा। चलो थोड़ा देख लेते हैं कि इसका वैकेंसी क्या था और कहाँ कितना वैकेंसी था, वो थोड़ा हम देख लेते हैं। देखो फ्रेंड, ये जो नोटिफिकेशन आप लोग को दिखाई दे रहा है वो सबसे पहले ही जो जिस समय एग्जाम डेट निकला, जिस समय फॉर्म निकला तो उस समय का है। देखो हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं कितना वैकेंसी है, तो चलो थोड़ा नीचे चलकर दिखाते हैं आप लोग को क्या कितना वैकेंसी। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा वैकेंसी, यहाँ पे देखो वैकेंसी दिया हुआ, टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे 641 है, UR के लिए 286 है, EWS के लिए 61, SC के लिए 93 और ST के लिए 68, OBC के लिए 133, 133 है। देखो एक सर्विसमैन की इधर दिया हुआ, इधर आप लोग देख लेना, देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है। चलो थोड़ा नीचे देखते हैं क्या है इसका। देखो ये जो है सब जोन बाय जोन दिया हुआ था इसका।
देखो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग पहुंच करके देख सकते हैं कौन सा जोन में कितना वैकेंसी था। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, हम थोड़ा स्क्रॉल कर थोड़े धीरे धीरे दिखा दे रहे हैं आप लोग को, अगर याद नहीं होगा तो। देखो दिखा दे रहे हैं आप लोग को, यहाँ पे सब दिया हुआ है। देखो एग्जाम सिटी तो आप लोग भरे होंगे तो पता ही होगा। चलो टाइम नहीं लेते हुए हम आप लोग को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो भी छात्र इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं वो हमें कमेंट में बता सकता है, और मेरा चैनल को जो एग्जाम डीप लर्निंग है उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, अगर इसी की तरह वीडियो आप लोग चाहते हैं तो। सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, बहुत मेहनत से हम इसको बनाते हैं, मेरा सब्सक्राइबन अभी आ नहीं रहा है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह का हम क्वेश्चन पेपर इसमें डिस्कस करेंगे, इसी यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर में कितना कटअप किया वो सब मैं बताऊंगा आज और कल में। अगर आप लोग का कमेंट अच्छा आया तो मैं बता दूंगा। प्लीज दोस्त आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को। थैंक यू सो मच।